तेली भारत पाकिस्तान और नेपाल में पाए जाने वाली एक जाति है। इन्हें तेली, तेलीकर और तैल्याकर जैसे रूप में जाना जाता है। खाद्य तेल निकालना और बेचना इनका पारंपरिक काम रहा है। हालांकि आधुनिक समय में यह अपने पारंपरिक काम को छोड़कर दूसरे कृषि और नौकरी व्यवसाय भी अपनाने लगे हैं। अधिकांश तेली हिंदू है, लेकिन यह मुस्लिम और पारसी भी हो सकते हैं। हिंदू तेली को राठौर, साहू, घांची, गुप्ता कहते हैं। मुस्लिम तेली को रोशनदार या तेली मलिक कहा जाता है। पारसी तेली को शनिवार तेली कहा जाता है। तेली को हिंदू समाज में वैश्य माना जाता है। आइए जानते हैं तेली जाति का इतिहास। तेली शब्द की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई? तेली जाति को बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बंगाल आदि राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हिमाचल प्रदेश में इन्हें अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अधिकांश तेली भारत में निवास करते हैं। यह बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। हालांकि इन सभी जगहों पर इनकी आबादी कम है। यह भारत के तकरीबन सभी राज्यों में अलग अलग नाम से पाए जाते हैं। भारत में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में इनकी अच्छी खासी आबादी है। तेली समाज के नेता छत्तीसगढ़ में 20-22%, झारखंड में 12% और बिहार में 7% आबादी होने का दावा करते हैं। अंग्रेजों के आगमन से पहले यह समाज आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और प्रभावशाली रहा है। इस समाज के लोग बड़े जमींदार और साहूकार कारोबारी रहे हैं। जहां भी यह प्रभावशाली रहे, इन्होंने मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया और रचनात्मक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। स्वतंत्रता संग्राम में तेली समाज के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस समाज में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। तेल का व्यापार करने वाले तेली वैश्य कहलाए। जिन्होंने सुगंधित तेलों का व्यापार किया वह मोड बनिया कहलाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी इसी समुदाय से आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घांची क्षत्रिय मोड़ तेली समाज से आते हैं। तेली शब्द की उत्पत्ति तेल या तैल से संबंधित है। संस्कृत के शब्द तलीका या तैल का अर्थ होता है तिलहन को पेर कर तेल निकालने के पारंपरिक व्यवसाय के कारण इस समुदाय का नाम तेली पड़ा। तेली जाति की उत्पत्ति के बारे में अनेक मान्यताएं हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान शिव की अनुपस्थिति में माता पार्वती को घबराहट महसूस हुई, क्योंकि उनके महल में कोई द्वारपाल नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपने शरीर के मैल पसीने से भगवान गणेश को उत्पन्न किया और उन्हें दक्षिणी द्वार की रक्षा के लिए तैनात कर दिया। जब भगवान शिव वापस लौटे तो गणेश जी उन्हें नहीं पहचान पाए और महल में प्रवेश करने से रोक दिया। इससे भगवान शिव इतना क्रोधित हुए कि उन्होंने अपनी तलवार से गणेश जी का सर काट दिया और मस्तक को भस्म कर दिया। जब भगवान शिव ने महल में प्रवेश किया तो माता पार्वती ने तलवार पर रक्त लगा देखकर उनसे पूछा कि क्या हुआ। पुत्र की हत्या की बात जानकर माता दुखी हो गई और विलाप करने लगी। माता पार्वती ने भगवान शिव से गणेश जी को फिर से जीवित करने का आग्रह किया, लेकिन मस्तक भस्म कर देने के कारण उन्होंने गणेश जी को फिर से जीवित करने में असमर्थता जताई। लेकिन उन्होंने यह कहा, यदि कोई जानवर दक्षिण की ओर मुंह किया हुआ मिले तो गणेश जी को फिर से जीवित किया जा सकता है। फिर ऐसा हुआ कि एक व्यापारी महल के बाहर आराम कर रहा था। उसके पास एक हाथी था जो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा था। भगवान शिव ने अपने तलवार से प्रहार करके उसका सर काट दिया और हाथी के सिर को गणेश जी की धड़ से जोड़कर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। लेकिन हाथी की मौत से हुए नुकसान के कारण व्यापारी जोर जोर से विलाप करने लगा। व्यापारी को शांत करने के लिए भगवान शिव ने ओखली और मुसल की मदद से, जो तब तक अज्ञात यंत्र था, कोलू बनाया और तिलहन को पेर कर तेल निकालने की विधि बताई। व्यापारी कोलू के मदद से तेल पेरने लगा और तेली जाति का संस्थापक यानी पहला तेली कहलाया। अंग्रेजी इतिहासकार कुर्क ने मिर्जापुर में प्रचलित कथा का उल्लेख किया है। एक व्यक्ति था, उसके 3 बेटे थे और उसके पास 52 महुआ के पेड़ थे। जब वह बूढ़ा और कमजोर हो गया तो उसने अपने बेटों से महुआ के पेड़ों का बंटवारा कर लेने को कहा, लेकिन आपस में चर्चा करने के बाद बेटों ने महुआ के वृक्षों को नहीं बल्कि उसकी उपज को बांटने का फैसला लिया। जिसे पत्ती मिला वह पत्तियों से भट्टी जलाकर अनाज भूनने का काम करने लगा और भारभुजा कहलाया। जिसके हिस्से में फूल मिला वह फूलों का रस निकालकर शराब बनाने लगा और कलार कहलाया। तीसरे हिस्से में गुठली और फल आया, जिसे पेर कर वह तेल निकालने लगा
और वह तेली जाति का संस्थापक कहलाया। मंडला के राठौर तेली राठौर राजपूत होने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि मुसलमान आक्रमणकारियों से पराजित होने के बाद उन्हें तलवार और जनेऊ त्याग कर तेल व्यवसाय को अपनाना पड़ा। निमाड़ के तेली, जिनमें कई धनी व्यापारी भी हैं, बताते हैं कि उनके पूर्वज गुजरात के मोड़ बनिया थे। उन्हें मुस्लिम शासन के दौरान आजीविका के लिए तेल पेरना पड़ता था। 1911 में तेली समुदाय ने राठौर उपनाम अपनाया और खुद को राठौर तेली कहने लगा। 1931 में उन्होंने खुद को राठौर वैश्य होने का दावा किया। फर्रुखाबाद के आर्य समाजी सत्य भरत शर्मा द्विवेदी ने तेली जाति को वैश्य वर्ण साबित करने के लिए तेली वर्ण प्रकाश नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। तेली समाज के लोग आरंभिक मध्यकाल में दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में मंदिरों को आपूर्ति करने के लिए तेल का उत्पादन किया करते थे। दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में मंदिर नगरों के उदय और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े होने के कारण कुछ समुदायों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ और वह सामाजिक सीढ़ी में ऊपर जाने लगे। माली और तेली समुदायों का काम शहरों के लिए महत्वपूर्ण हो गया और वह इतने समृद्ध हो गए कि मंदिरों को दान देने लगे, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति और ज्यादा मजबूत हो गई। ग्वालियर दुर्ग परिसर में स्थित एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं और 9वीं सदी में किया गया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि इसका निर्माण राजाओं और पुरोहित वर्ग के बजाय तेल व्यापारी जाति द्वारा किया गया था। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।